पाती छाती फाटे सुन के चक्र भी हुकाना यह महाभारत की एक अनोखी घटना है। देखिए कूटनीति धोखेबाजी दगाबाजी अपनों ने अपनों के संग किया कैसे। धोखा विष्णु जी वृंदा के संग में किया सतडिगा और जलंधर का सर कट गया बाल के संग में धोखा किया राम ने रोड़ा सुग्रीव के पथ का हट गया सतयुग से त्रेता द्वापर में धोखा रहा वेद ग्रंथों में समुचित पुकारा गया धोखा दुर्योधन पांडव के संग में किया धोखे में वीर अभिमन्यु मारा गया। जिस वक्त द्रोणाचार्य व्यूह रचना की बात बताए दुर्योधन को और पत्र लिखकर भेज दिया कि मेरे यहां कल व्यूह रचना हो रही है लड़ाई में आप लड़ने के लिए तैयार रहें। पत्र जब मिला युधिष्ठिर को तो सोचते हैं एक ताज लगा सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है पयंबर ने दिया है कुरान मदीने के पयंबर ने दिया है कुरान मदीने के पयंबर ने दिया है कुरान मदीने के पयंबर ने दिया है। इस तर्ज का नमूना रहा लेकिन पत्र जब पाते हैं पाए युधिष्ठिर पत्र तो हैरान हो गए पाए परेशान हो गए लेकर जाने कहां से सुभद्रा नंदन उपस्थित हो गए और कहते हैं दादाजी आपका मुखमंडल मुरझाया है क्या कहते हैं इतने में आया माता सुभद्रा का लाडला इतने में आया माता सुभद्रा का लाडला
बताइए ना, आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है? फिर कहे, बेटा एक आश्चर्य की बात है कि आज अर्जुन घर पर नहीं है, तो चक्रव्यूह की रचना हुई है, इसीलिए मुझे चिंता है, तर्ज लगा था भोजपुरी में। बंधी हैं कंगनवा, माथे लगी हैं चौरवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बन जई हैं दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बन जई हैं दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बन जई हैं दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, ओ मुड़े मऊरवा धई के ना, ओ मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बन जई हैं दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना, भैया मोर बन जई हैं दुल्हवा, मुड़े मऊरवा धई के ना। बोले हैं युधिष्ठिर, बेटा सुना मोर बयनवा, अरे नयनवा भरी के ना, अरे नयनवा भरी के ना, कैसे होई है कल लड़नवा, अरे नयनवा भरी के ना, कैसे होई है दादा बस। अरे छोटे से चक्रव्यूह के लिए आप इतना परेशान हैं? बिल्कुल बेफिक्र रहें दादाजी, आपका बेटा तैयार है। कहा, क्या बकते हो अभिमन्यु? कहा, मैं ठीक कहता हूं। अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है? अरे धर्मराज से बोला कसे कमरिया बड़का दादा हो, ए धर्मराज से बोला कसे कमरिया बड़का दादा हो, चिंता की हाजी तनी कौ करब समरिया बड़का दादा हो, चिंता की हाजी तनी कौ करब समरिया बड़का दादा हो, चिंता की हाजी तनी कौ करब समरिया बड़का दादा हो, समरिया बड़का दादा हो, समरिया बड़का दादा हो, चिंता की हाजी तनी कौ करब समरिया बड़का दादा हो, चिंता की हाजी तनी कौ करब समरिया बड़का दादा हो। छे फाटक हम गदा से तोरब करत यही वादा, छे फाटक हम गदा से तोरब करत यही वादा, छे फाटक हम गदा से तोरब करत यही वादा, हाँ सतवा फाटक गदा से तोरी है भीम सेन मोर दादा, दुर्योधन से होए या झगड़िया बड़का दादा हो, काट करब खरिहान सगल लस्करिया बड़का दादा हो, ताजू की बात आश्चर्य है कि छह फाटक का भेद तुम कैसे जानते हो? कहा, दादाजी चक्रव्यूह में 7 गेट होंगे, जिसका 6 फाटक तोड़ना मैं अच्छे ढंग से जानता हूं। कहा, ये कैसे? कहा, मैं जब मां जी के गर्भ में था तो प्रसव पीड़ा से मां परेशान थी, उस वक्त पिताजी ने उनके मनोरंजन के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए चक्रव्यूह की चर्चा कर दी और 6 फाटक तक पहुंचे थे,
उसके भेद का कारण बताए, तभी मेरा जन्म हो गया दादाजी। इसी से सातवां फाटक तो हमारे दादा भीम जी गदा से तोड़ देंगे। कहा वाह अभिमन्यु, ये बात कहे? हाँ बेटा। कहा बेटा सुनो, और याद रखना, इतने में अभिमन्यु फिर कहता है, आगे दुश्मन हमारा पीछे तू फौ संहारा, आगे दुश्मन हमारा पीछे तू फौ संहारा, आगे दुश्मन हमारा पीछे तू फौ संहारा। अरे जतना कौरों मिले जंग मा हेरी हेरी के मारा, हाँ जतना कौरों मिले जंग मा हेरी हेरी के मारा, अरे खन के आज छत्री से मोर तलवरिया बड़का दादा हो, रण के अंदर बर से बाण बदरिया बड़का दादा हो, रण के अंदर बर से बाण बदरिया बड़का दादा हो, रण के अंदर बर से बाण बदरिया बड़का दादा हो। दादाजी आप मुझे जाने की आज्ञा दें और लड़ाई में मैं जाऊंगा। कहा बेटे अगर तेरा यही ख्याल है तो भेजते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम जाओ अपने माँ जी से इजाजत ले लो, आज्ञा लो, तुम्हारी माता जी क्या कहती हैं। अभिमन्यु जंग का पोशाक पहनकर धनुष बाण हाथ में लिए माँ के सामने प्रस्तुत हुआ। कहा माँ एक ताज लगत है, एक दुल्हन अपने पिया से कहा था। का कहा था? कहा माँ का गहुआ रे चमके, कहा माँ के धान कहा माँ के उखली, कहा के ओखरी मुसरवा कुटरे धान, 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 कहा के ओखरी। मर्दवा जवाब देत है के मेहरारू सुन, पंजाब का गेहूं रे चमके, पटना के धान उन्ने का ओखरी, उन्ने का ओखरी हई मुसरवा कुटरे धान, उन्ने का ओखरी मुसरवा कुटरे धान, उन्ने का ओखरी मुसरवा कुटरे धान, उन्ने का ओखरी धान। बोला अभिमन्यु जाके, बोला अभिमन्यु जाके, अरे माँ के करके याद मैया लड़नवा जइबे, मैया लड़नवा जइबे हमके तू दे आशीर्वाद, 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 मैया लड़नवा जइबे। बोली है सुभद्रा, बोली है सुभद्रा कई के अभिमन्यु के प्यार कैसे लड़नवा जइब्या, कैसे लड़नवा जइब्या बारी उमरिया तोहार, 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 कैसे लड़नवा। अभिमन्यु ये बात माँ से कहता कि माँ तुम छत्राणी हो, एक वीर पुरुष की नारी हो माँ, और एक वीर बालक की माँ हो, आज्ञा दो माँ प्रेम पूर्वक, तुम्हारा लाल जंग में जाएगा
और दादाजी के सपनों को साकार बनाएगा। माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा विजयी भव। और इतने में अपनी दुल्हन से मिलने के लिए पहुंचता है रनिवास में, उत्तराशा झज के खड़ी है। मन्नू की वेशभूषा देखकर घबरा जाती है कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं। कहा प्रिय मैं जंग के मैदान में जा रहा हूँ, एक तज लगत है भोजपुरी में। अरे ननदी भाऊ जैया दुइनऊ एक समूरिया दुनहौ के पिया पर देसिया हो राम हो। ननदी भाऊ जैया दुइनऊ एक समूरिया दुनहौ के पिया पर देसिया हो राम हो। ननदी भाऊ जैया दुइनऊ रहा तर्ज का ओरिजिनल भाव, लेकिन कवि का कहना है रोवे रानी उतरा उठे हिया में दर दिया, रोवे रानी उतरा उठे हिया में दर दिया, छूटल ना में दिया हाथे थे। ओ रोवे रानी उतरा उठल दर दिया भर के की है हम अजदिया छूटल न में दिया हाथे के। ओ अब ही न जीव भर के की है हम अजदिया छूटल न में दिया हाथे के। ओ अब ही न जीव भर के की है हम अजदिया छूटल न में दिया हाथे के। ओ छूटल में दिया के यही बई लौटी के यही बई रानी मौज हम उड़ई बे तोहरा सपना साकार हम बनई बे, तोहरा सपना साकार हम बनई बे। अरे कबहू न होए उतरा तोरी बरबदिया छूटल न में दिया हाथे के। ओ कबहू न होए उतरा तोरी बरबदिया छूटल न में दिया हाथे के। ओ कबहू न होए उतरा तोरी बरबदिया छूटल न में दिया हाथे के। ओ छूटल न में दिया से कहता है प्रिये
हंसकर विदा दो और हम जाएं रण में कमाल दिखाएं। उत्तरा कहती है कि स्वामी आपकी उम्र बारी है, आप लड़ने को जाते हैं तो ठीक है, अगर दादाजी माताजी तमाम लोग आपको लड़ाई की आज्ञा दे दिए तो मैं भला कौन होती हूँ रोकने वाली। लेकिन स्वामी आप थोड़ी देर बैठ जाएं, ये महान मूर्ति को मैं देखूं। और अरे टुक टुक निहार है रानी उत्तरा सुरतिया, 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 टुक टुक निहार है रानी उत्तरा सुरतिया। दुल्हा कया पाने उतर लिया रतिया, 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 दुल्हा कया पाने उतर लिया रतिया। कबहू न होए पिया मोरी बरबदिया, छूटल ना मेहंदिया हाथे के, कबहू न होए पिया मोर बरबदिया, छूटल ना मेहंदिया हाथे के, कबहू न होए पिया मोर बरबदिया, छूटल ना मेहंदिया हाथे के, छूटल ना मेहंदिया। सब ही रोवन लागे देत की बिदैया, नैना बन ले जैसे बरसे सावनवा, उत्तरा से मिलके आयल माता के समनवा हो, अरे दयदा विदाई माई छुईला चरणवा, रोवत की सुभद्रा जननी करली विदैया हो, आईगा बहादुर तब दादा के समानवा, दादाजी रोवन लागे छाती से लगाई लिहले, अरे जुग जुग जुया जा तू हमारे ललनवा, 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 अभिमन्यु पूरे परिवार से विदा लिया और चल रहा है। कवि को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे लड़ाई माँ के पेट में सीखा, हो लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चला अभिमन्यु तोड़े चक्रव्यूह के गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चला अभिमन्यु तोड़े चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चला अभिमन्यु तोड़े चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, लड़ाई माँ के पेट, लड़ाई माँ के पेट, लड़ाई माँ के पेट, चलाया मन तोरे चक्रव्यूह का गेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया मन
कवि उसके चलने का वर्णन करता है। कहना है यहाँ कौन कौन से हथियार अपनी सेना सजाकर अभिमन्यु जब लड़ाई के मैदान को जा रहा है तो कवि को कहना पड़ा उसकी वेशभूषा को देखकर। चला बड़ों को शीश झुका कर उन परिवार को भूल चला, चला गदा मुगदर कटार ले धनुष बाण ले सूल चला, चला आज अर्जुन की गोद का, चला आज अर्जुन की गोद का अंतिम झूला झूल चला, चला सुभद्रा के गुलशन का, चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला, चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला, चला सुभद्रा के गुलशन का लड़न पहला फूल चला, लड़न पहला फूल चला हो पहला फूल चला, चला सुभद्रा के गुलशन का पहला फूल चला, चला सुभद्रा के गुलशन का पहला फूल चला। उड़ान में कहना पड़ा आज पुत्र कोरण में भेजती रोवत बा महतारी, रोवे उत्तरा बिलख बिलख अभिमन के प्राण प्यारी, लड़ाई माँ के पेट में सीखा लिखा तकदीर में जो है कोई सके ना मेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा तकदीर में जो है कोई सके ना मेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा लिखा तकदीर में जो है कोई सके ना मेट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। गेट हो लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया अभिमन्यु तोड़े चक्रव्यूह का गेट हो लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया अभिमन्यु तोड़े चक्रव्यूह का गेट हो लड़ाई माँ के पेट में सीखा, चलाया अपनी सेना का संचालन करते हुए सेनानायक के रूप में अभिमन्यु जब चल दिया रणक्षेत्र की तरफ तो क्या कहता है। रथिया पे रथिया पे अर्जुन के सरवा दहाड़े वीर जूझ पड़े, वीर जूझ पड़े खडग लई के खडग लई के खडग लई लई के हो वीरवा जूझ पड़े, खडग लई के खडग लई के खडग लई लई के हो वीरवा जूझ पड़े, खडग लई के खडग लई के खडग लई लई के हो वीरवा जूझ पड़े। Like a cat.
वीर तैया माई कसरवा देखावे वीर तैया माई कसरवा देखावे वीर तैया चले कुरुक्षेत्र में करई के लड़ैया चले कुरुक्षेत्र में झंडा उखाड़े वीर दौड़ पड़े वीर दौड़ पड़े खड़ग लेके खड़ग लेके खड़ग लेके हो आवाज दूध पड़े खड़ग लेके खड़ग के ताल कहे मनु ठोक के ताल सबके भेजब काल के गाल 16 साल में अभिमन खेला ताया के लड़ाई माँ के पेट में सीखा 16 साल में अभिमन खेला ताया के मैदान में अभिमन्यु पहुंच गया। बहादुरों से मुकाबला होता है, कवि को कहना पड़ा यहां पर अभिमन्यु सुगनमा जाके अरे बोला बालवनमा मिटा ले वैदा ओ मिटा ले वैदा दिल का सारा यार मनमा मिटा ले वैदा दिल का सारा यार मनमा मिटा ले वैदा ओ दिल का सारा यार मनमा मिटा ले वैदा ओ मिटा ले वैदा ओ मिटा ले वैदा ओ मिटा ले वैदा दिल का सारा यार आचार्य की रचना कैसी कूटनीत और राजनीत भरी बात है। किस तरीके से चक्रव्यूह की रचना हुई है और पहले फाटक पर किससे मुलाकात होती है। अभिमन्यु आगे बढ़ता है जब तो क्या देखता है। पहले पे जयदारस से होई गवा मिलनवा पहले पे जय दरस से होई गवा मिलनवा तोड़ के फटकवा निकली गया बलवनवा हो तोड़ के फटकवा निकली गया बलवनवा हो तोड़ के फटकवा निकली गया बलवनवा दूसरे पे द्रोण गुरु से होई गवा मिलनवा झुका ले वैदा ओ झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा ओ झुका ले वैदा ओ झुका ले वैदा ओ झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा गुरु के चरणन पे गर्दनवा झुका ले वैदा अरे जयद्रथ को ललकार के पहला फाटक बहादुर अर्जुन का बेटा तोड़ दिया और कहा देख तेरी राजनीति तेरी कूटनीति तेरी धोखेबाजी
फेल हो गई। दूसरे फाटक पर जैसे प्रवेश करता है, गुरुजी से भेंट हो गई और अभिमन्यु प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, विजयी भव। कहा, गुरुजी आपका शिष्य आपके सामने मौजूद है और जिसकी व्यूह रचना वह द्रोणाचार्य जी आज अभिमन्यु से जंग करते हैं, कवि को कहना पड़ा। द्रोण गुरु हार गए अभिमन से बजिया, तीसरे फटाकवा पे कारण कह फौजिया, तीसरे फटाकवा पे कारण कह फौजिया, करण कह फौजिया, दुइनौ बलवनवा में अर होइगा घमसनवा, भगाय लेवैद्या हो भगाय लेवैद्या, बाहुबल से दुश्मनवा भगाय लेवैद्या, बाहुबल से दुश्मनवा भगाय लेवैद्या, ओ बाहुबल से दुश्मनवा भगाय लेवैद्या, ओ भगाय लेवैद्या, ओ भगाय लेवैद्या, ओ भगाय लेवैद्या, बाहुबल से दुश्मनवा भगाय लेवैद्या, ओ भगाय लेवैद्या, ओ भगाय लेवैद्या, बाहुबल से दुश्मनवा भगाय लेवैद्या, बाहुबल से दुश्मनवा भगाय लेवैद्या, बाहुबल से दुश्मनवा भगाय लेवैद्या। उड़ान में ये तो तीसरे फाटक पर योद्धा कर्ण मौजूद थे और कहा, दादा अरे बेटे की तरफ निहारा, आज लड़ाई के मैदान में बाप बेटे का मुकाबला है। लेकिन योद्धा कर्ण आज एक 16 साल के बच्चे से परास्त हो गए। तो चौथे फाटक पर जब पहुंचता है तो क्या देखता है, एक एक से धनधारी अपनी साज सज्जा के साथ खड़े हैं। चौथे फाटक पे कृपाचार्य से होई गई ली मुठभेड़, चौथे फाटक पे कृपाचार्य से होई गई ली मुठभेड़, लड़ा धनंजय का छौना दुश्मन का किया रुख टेढ़, लड़ाई माँ के पेट में सीखा अरे एड़ से, चौथा फाटक दिया वीर सरसेठ, लड़ाई माँ के पेट में सीखा से, चौथा फाटक दिया वीर सरसेठ, लड़ाई माँ के पेट में परास्त करता हुआ सुभद्रानंदन अभिमन्यु आगे बढ़ता है और देखता है, अपने जवानों से कहता है कि लड़ाई डट के लड़ो, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो आज मुकाबला एक बच्चे से है। जिस तरीके से मेरे पिता की ना मौजूदगी में आप लोगों ने चक्रव्यूह की रचना की, तो आज उसका मजा देखो कि मैं भी चक्रव्यूह का भेदन जानता हूं। और ये देखकर चौथा फाटक तोड़ के चूर चूर करके कृपाचार्य को ध्वस्त करके आगे बढ़ा। और आगे जब बढ़ता है तो कवि को आल्हा का भाव देना पड़ा। पहुंचाए फटाका वापे पहुंचा जुझरिया, पहुंचाए फटाका वापे अपन दौड़े तलवा,
बहादुर भूरिश्रवा पांचवें फाटक पर उपस्थित हैं। प्रणाम किया कि आप योद्धा हैं, न्याय और अन्याय को नहीं देखते। कहा ये जंग है, जंग में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। लड़ाई है बेटे, लड़ाई तुम्हें लड़ना है। अभिमन्यु कहा दादा ये तो छोटी बात रही, लीजिए हथियार। भूरी सरवाया भी मन से पेश नहीं पावले, भूरी सरवा हारी गईले अभिमन से रण में, चक्रव्यूह के एक एक गेट पर सशस्त्र बहादुर खड़े हैं और भूरिश्रवा को परास्त करके जब आगे बढ़ता है, गुरु के बेटा वना से होई गईली भेटिया, गुरु के बेटा वना से होई गईली भेटिया, गुरु के बेटा वना से होई गईली भेटिया। करा था प्रणाम की उठावा हथियार हो, करा था प्रणाम की उठावा हथियार हो, करा था प्रणाम की उठावा हथियार हो। दुइनो वाला वनावा में भवा मैदानावा, दुइनो वाला वनावा में भवा मैदानावा, दुइनो वाला वनावा में भवा मैदानावा। अरे अश्वत्थामा अभिमन्यु से मानी गईले हार हो, अश्वत्थामा अभिमन्यु मानी गईले हार हो, अश्वत्थामा अभिमन्यु से मानी गईले हार हो। आज द्रोणाचार्य जी का सुपुत्र अश्वत्थामा लड़ाई के मैदान में छठे फाटक पर अभिमन्यु से भिड़ा है। अंततो गत्वा जीत सच्चाई की होती है। अभिमन्यु ने परास्त किया अश्वत्थामा को और एक तरफ गिर पड़ा तो सातवां फाटक अंतिम गेट पर जब पहुंचता है, जिसका भेदन वो नहीं जानता, इसलिए कि दादा से कहा है कि दादा सातवें फाटक का वर्णन जब पिताजी कह रहे थे तो मैंने माता के गर्भ से जन्म ले लिया। अभिमन्यु आगे बढ़ता है तो सोचने लगा कि यही फाटक मेरी परीक्षा की घड़ी है, मैं क्या करूं। आगे जब बढ़ता है तो क्या कहता है, सताए पे दूरी जोधन से भावा मिला नवा, सताए पे दूरी जोधन से भावा मिला नवा, सताए पे दूरी जोधन से भावा मिला नवा। अरे बोला हमारे दादा आज होई गवा दीदार हो, बोला हमारे दादा आज होई गवा दीदार हो, बोला हमारे दादा आज होई गवा दीदार हो। बाबू घरे नहीं, बाबू घरे नहीं घरे पतिया पठावाला, बाबू घरे नहीं घरे पतिया पठावाला, बाबू घरे नहीं घरे पतिया पठावाला। अरे चक्रव्यूह रचना करैला सरकार हो, चक्रव्यूह रचना करैला सरकार हो, चक्रव्यूह रचना करैला सरकार हो। होत लड़ाई जब जम के बबुआ, होत लड़ाई जब जम के बबुआ, होत लड़ाई जब जम के बबुआ। तब दूरी जोधन नीत करे सरकार हो, तब दूरी जोधन नीत करे सरकार हो, तब दूरी जोधन नीत करे सरकार हो। वीरथ लड़ाई आज करा मोरे बेटावा, वीरथ लड़ाई आज करा मोरे
करा मोरे बेटावा। आवा मोर भतीजे तो से काई ले ई पा, आवा मोर भतीजे तो से काई ले ई प्यार हो, आवा मोर भतीजे तो से काई ले ई प्यार हो। अरे अभिमन्यु बेकार लड़ाई है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा भतीजा लगता है, आ मेरी गोदी में बैठ, तुझसे प्यार करूं बेटे, आ मेरे पास। बड़े प्रेम से बुलाया कि तू हमारे कुल का दीपक है मुन्ना, आ ना मेरे सामने, आओ तुझे गोदी में बिठाता हूं। अभिमन्यु सोच गया भोला भाला नौजवान दुर्योधन घाती की बात में आ गया, और करता क्या है, फेंका हाथी यार पहुंचा कुरुपति गोदिया, फेंका हाथी यार पहुंचा कुरुपति गोदिया, फेंका हाथी यार पहुंचा कुरुपति गोदिया। पीछे से जयद्रथ करे गदा का प्रहार हो, पीछे से जयद्रथ करे गदा का प्रहार हो, पीछे से जयद्रथ करे गदा का प्रहार हो। अरे पारस के खिलौना का भुलौना दे के मारे, धोखे में अभिमन का फूट गया कपार, 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 ओ धोखे में अभिमन का फूट गया कपार, धोखे में अभिमन का फूट गया कपार, धोखे में अभिमन का फूट गया कपार। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी घटना, ये बेईमान दगाबाज मिलकर अभिमन्यु के साथ कर दिए, धोखेबाजी में धोखा खा गया, बैठ गया गोदी में कपटी जयद्रथ, पीछे से गदा का प्रहार किया और अभिमन्यु का सर फूट गया, धराशायी हो गया। आज सुभद्रा नंदन छटपटा रहा है, खून से लथपथ है, और सोच रहा है अपने मन में कि हा विधाता, सब कुछ मेरा छूट गया, यही एक फाटक था जिसका भेद मैं नहीं जानता था, अफसोस कि एक कुलघाती मेरे साथ घात किए। सबको याद करता है पड़ा है, और विजय घोष कौरव दल में बच गया, हाहाकार मच गया, और इस तरफ अभिमन्यु पड़ा है कहारता है, हा माँ हा पिता, पिताजी दादाजी कहना पड़ा यहां पर। प्रयागराज के खाटी तर्ज राम आधार जी के ओरिजिनल। अरे अभिमन रोवई छोड़ भोकार, के उससे भवाना दीदार मोरी, मैं का मयरिया कहाँ गई, रोज दूधवा पियायु, आज हिया ना दिखायु मोरी दूधवा कतरिया कहाँ गई, मोरी दूधवा कतरिया कहाँ गई, मोरी दूधवा कतरिया कहाँ गई, रोज दूधवा पियायु आज हिया ना दिखायु मोरे दूधवा कतरिया कहाँ गई, मोरे दूधवा कतरिया कहाँ गई। हम कैसे जिया सुलायु, हम कैसे जिया सुलायु, पिया पिया तू बुलायु मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई, मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई, मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई, रोज जिया सुलायु पिया पिया कई गोरायु मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई, मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई। आपन भूल गया वादा, आपन भूल गया वादा, कहाँ गया भीम दादा तोहरी सेना लश्करिया कहाँ गई, तोहरी सेना लश्करिया कहाँ गई, तोहरी सेना लश्करिया कहाँ गई, हम देखी है रहा वादा
बार बार याद कर कर सुभद्रानंदन रण क्षेत्र में रो रहे हैं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, सब कुछ छूट गया विधाता। दादा दादा, आपने मुझसे वादा किया था कि सातवां फाटक मैं गदा से तोड़ दूंगा। आपका बेटा यहां धोखे में मारा गया दादा, धोखे में मारा गया। कानों तक आवाज पहुंचती है, भैले बड़े नाच से पालन, कैले सेना का संचालन, अरे सुन के लालन कया वजिया दादाजी चल पड़े। छलकत है गागार, अंबर वसुंधरा के नैना से छलकत है गागार, अंबर वसुंधरा के नैना से छलकत है गागार। बिना फूल के भय फुलवारी रूठ गए नटनागर, डूबल सागर में जहाजी आ दादाजी चल पड़े। मचा पांडव दल भीम जी तुरंत पधारे, अरे खून से लथपथ दादा दादा अभिमन पड़ा पुकारे, हम सब हारे जीती बजी आ दादाजी चल पड़े। भीमसेन लेकर गदा, बेटे की पुकार सुनकर कि हां मुझसे धोखा हो गया, मैं अपने वादे से मुकर गया, मैं सातवां फाटक नहीं तोड़ पाया, मेरा अभिमन्यु रण क्षेत्र में रो रहा है, मेरे अभिमन्यु को ये गद्दार धोखा देकर मारे हैं। दादाजी कहते हैं कि मुझे क्या कहना है, मैं क्या करूं भगवान, कुछ सूझता नहीं। संसप्तक से जंग करण को चले गए धनुधारी, आशोकित खबर सुनाऊ भाई कैसे रोई रहे बलकारी, मदन मुरारी राखा रजिया दादाजी चल पड़े। मदन मुरारी राखा रजिया दादाजी चल पड़े, मदन मुरारी राखा रजिया दादाजी चल पड़े। मनु पड़ा है, अरे फेंके हैं गदा दौड़े सुआ बहाई के,
ललना कछु मई लागे गोदिया उठाई के ललना कछु मई लागे गोदिया उठाई के ललना कछु मई लागे गोदिया उठाई के ललना कछु मई लागे पूछी हई भैया अर्जुन कवन देबै हम जवाब हो ललना न पइहै होई जइहै बेताब हो अरे मुहवा देखैबै कैसे बिरना के जाई के ललना के चुमै लागे गोदी में उठाई के ललना के चुमै लागे गोदी में उठाई के ललना के चुमै लागे गोदी में उठाई के ललना के चुमै लागे बेटे को गले से लगा लिया, कहा भतीजे मैं अपने वादे से मुकर गया, तेरा वादा तो पक्का रहा कि छह फाटक का तूने वचन दिया था और उसे पूर्ण किया, लेकिन बलशाली भीम आज कायर के समान तेरे सामने खड़ा है बेटा। रो रो के बेटे को चूमते हैं और क्या कहते हैं, अगर अर्जुन भाई इस बात की खबर सुन पाए तो जयद्रथ से इस बात का बदला अवश्य लेंगे। तो कहना पड़ा, स्वामी गीतानंद कहें भुल्लुर तज दिए कोतारी, स्वामी गीतानंद कहें भुल्लुर तज दिए कोतारी, राम आधार कब बिलख के कहते अरे अभिमन स्वर्ग सिधारी हो, लड़ाई माँ के पेट में सीखा अरे हैदर अली कहाई ना भाई ली क्या उसे भेंट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा हैदर अली कहाई ना भाई ली क्या उसे भेंट, लड़ाई माँ के पेट में सीखा हैदर पेट में सिखा है दरयानी।